डिमोनेटाइजेशन, हाँ देखिए यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई, क्योंकि इस शब्द को बोल पाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। लोग इसको विमुद्रीकरण भी बोल रहे हैं, तो मैं विमुद्रीकरण की भाषा में आपसे बात करता हूँ कि हमारे पास इस मुद्दे पर जो गंभीरता भरा माहौल है उससे निपटने के लिए कॉमेडी के दो सरताज कहूँ, सिकंदर कहूँ, खुद फैसला कर लीजिए, उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि नोटबंदी को लेकर के उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले मिलवाते हैं राजू भाई से। सुनील पाल जी नमस्कार, कॉफी विद गरम में आपका स्वागत है। नहीं, उसके लिए तुम्हें थोड़ा ढीला होना पड़ेगा। कॉफी विद अलोन। देखिए करन की बात करेंगे तो फिर करेंसी की बात करनी पड़ेगी, करेंसी की बात करनी पड़ेगी। 2016 का सबसे बड़ा जुमला कौन सा है, सबसे बड़ा सेंटेंस क्या है, क्या 2016 का? अरे भाई कुछ गुंजाइश है क्या? कुछ गुंजाइश है? कहाँ, हमारे अपने नहीं बदले अभी तक। उसके बाद भी उसको कवर करने के लिए, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे पास थोड़ी है। अच्छा ये भी करते हैं। अच्छा ये बताइए सुनील भाई, क्या आप लाइन में लगे या राजू भाई आप लाइन में लगे, तो क्या रहा माहौल वहां का? राजू भाई लाइन में लगे और मैं पाइप लाइन में लगा हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, इस बार सर्दी बहुत पड़ने वाली है। अच्छा इस साल सुनील सर्दी बहुत पड़ेगी। मौसम विभाग ने कहा ऐसा कुछ? बस मैं बता रहा हूँ सर्दी बहुत पड़ेगी। पूछो क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि लोगों की नोटों की गर्मी खत्म हो गई। मतलब इस बार दिल्ली में मफलर नहीं पहना जाएगा? नहीं, खांसी भी नहीं होगी किसी को। सुनील भाई वो नोटबंदी पे आप मुझे कुछ रास्ते में लाइन में लेना। देखिए नोटबंदी जो है आपके लिए कुछ और होगी, मेरे लिए सबसे बड़ी नोटबंदी है। नोटबंदी जो है वो सोनम गुप्ता है। जो बंदी नोट पे छाई रही है वही तो है नोटबंदी। मैंने पूछा कि तू नोटबंदी है, बोली नहीं। मैंने कहा तू तो है ही बेवफा। वैसे न्यूज चैनल में जितने बार नोटबंदी लिख के आता है पढ़ने में लगता है नसबंदी। तो आपकी कई बार हो चुकी होगी। कनेक्शन पहले काट दिया, कनेक्शन पहले काट दिया, आप क्या मीटर उखाड़। देखिए भाई ऐसा है, मोरारजी देसाई ने नोटबंदी की थी, उसके बाद दूसरे गुजराती भाई ने, इन गुजराती को क्या नोट से कोई प्रॉब्लम है भाई, ज्यादा नोटबंदी करेंगे तो फिर हम भी वोट बंदी कर देंगे, याद रखना। फिर नहीं नहीं, नए नोट आ रहे हैं। मैं लाइन में लगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कानपुर में एक जगह गया मैं, ठीक है थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, गजोधर चिल्ला रहे थे, मैं बोला लाइन मत छोड़ना भाई, मैं वहीं आके मिल लूंगा आपको। चल रहा था, अचानक एक बुढ़ी बोली, अंदर चाचा को टाइम लग रहा था एटीएम में, बुढ़ी बोली जब मशीनवा चलाना नहीं आता तो कहा खटर खटर कर करिए। वो निकला, ये गई अंदर, हमने इनको चलाना आता है, ये अंदर जाके एकदम जोर से, हे रमरतिया ये मशीनवा पिन मांग रहा है, दो बार बाल से निकाल के घुसेट चुकी है वो। अच्छा पिन जैसी गुप्त चीज जो छुपानी चाहिए, उनका भतीजा सड़क के उस पार से बोल रहा है पिन है 12-14। पूरे दरियागंज पहाड़गंज ने सुन लिया। तो इस विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर तरह तरह के रंग हैं, एक रंग ये भी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइन में लगे रहिए। इस उम्मीद से कि आगे भविष्य में सब अच्छा हो जाएगा। राजू भाई ने मुझे कल पूछा था कि सुनील आजकल क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं पार्ट टाइम में फिल्म लाइन में हूँ, बोले फुल टाइम में, मैंने कहा बैंक की लाइन में। और मेरा जिंदगी का एक ही फंडा है कि जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग कहें भाई तू रहने दे हम कर लेंगे। तो ये सिर्फ एक झलकी है और अभी पूरी पिक्चर बाकी है। राजू भाई से और सुनील भाई से मिलिए एजेंडा में बस कुछ ही मिनटों के अंदर एक बड़ी पिक्चर के लिए।